नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलिमा शर्मा है। आज हम सिराली तहसील के डगाबाशंकर गांव में आए हैं, जहां ओम भाई साहब को हमने तरबूज, 2 एकड़ तरबूज में हमारे ऑर्गेनिक दवाई दी थी। उनके तरबूज में फंगस आ रही थी, पौधे पूरा सूख रहे थे और तरबूज छोटे छोटे होकर खराब हो रहे थे। तो जहाँ हमारा ग्रोमैजिक फंगीसाइड और एमआई स्प्रे डलवाया था, उसके बाद तरबूज की संख्या भी बढ़ी है। तरबूज का जो वाइट कलर था, अंदर से कलर भी नहीं था, वो कलर भी लाल हुआ है और तरबूज की संख्या भी बढ़ी है और पौधे भी हरे भरे हुए हैं। आज भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम बता दीजिए और आप बता दीजिए आपको तरबूज में क्या परेशानी थी और क्या रिजल्ट आया। मेरा नाम ओम प्रकाश सलोत्रे। हाँ, और ये तरबूज खत्म होने के कगार पे थे। दिन जो दवाई डलवाई, साइज भी बढ़ा, कलर भी बढ़ा, पौधे अच्छे, उत्पादन ठीक निकले। हाँ, और आपके जो पौधे खराब हो चुके थे, फिर वापस से फंगस हाँ, आ गई थी, वो सही हुए, रिकवर हो गए। और तरबूजों की संख्या जो आपकी छोटी छोटी होके मतलब सड़ रहे थे, खराब हो रहे थे, पूरे खत्म होने के, साइज तो बना, अच्छा साइज भी बना और सही हो गए। वो जो सड़ने की प्रॉब्लम आ रही थी, वो नहीं आ रही है ना कांड होने की। इसके बाद और संख्या कितनी बड़ी, संख्या का कैसा क्या रही, जो उत्पादन जो छोटा फल था वो भी बड़े पहले फल थे, उसमें अच्छा निकला उत्पादन भी, 350 क्विंटल करीब निकल चुका है, उसका निकाल दिया। अच्छा, बाकी माल ही रखा है। हाँ, और अभी कितने दिन, एक दो दिन में कुछ ज्यादा अंदाज ये 350 करीब। ये वजन भी हाँ। आपका वजन नहीं था, खोखला था, इसमें वजन भी बढ़ा है। ये वजन भी बढ़ के आया है, ये करीबन 3.5-4 किलो का वजन है। इसको फोड़ने के बाद कलर भी लाल आया है और रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया। जो एक एक संख्या में यदि देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरबूज लगे, उस दिन हमको देखने को नहीं मिल रहे थे और आज काफ़ी सारे तरबूज देख सकते हैं, एक एक बेला में। ये तरबूज वजन भी बढ़ा, कलर भी लाल आया, टेस्ट में भी मीठा हुआ। उस दिन जो हमने खाया था टेस्ट में फीका था, ये टेस्ट में मीठा हुआ और कलर भी मीठा है। एक हफ्ते में बढ़िया हो गए और एक हफ्ते में ही बढ़िया हो गए, मतलब आप खुश तो है ना।